स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कार सिंह और भाई आज हम लोग बात करने वाले नए तड़कते फड़कते इवेंट के बारे में। तो भाई बेसिकली इससे पहले ही हमने आपको इवेंट के वीडियो में बता दिया था कि कौन से पोकेमॉन्स आने वाले हैं, तो अगर वो आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए होंगे तो कोई ना, पर आए होंगे ज़रूर, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से पता चलता है मैक्सिमम टाइम तो सही होता है, मतलब मेरे ख्याल से हाँ मैक्सिमम टाइम ही सही होता है। पहली ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती थी पर आजकल हमें पता चल जा रही हैं, बहुत सही बात है। मतलब हम लोग पहले से अपनी इवेंट आइटम सेव कर सकते हैं अगर हमें कोई अच्छा पोकेमॉन चाहिए तो। पहले बात करें, ये 7 डे इवेंट नहीं है क्योंकि आपको लकी रॉलेट स्पिन देखने को नहीं मिला क्रिस्टल वाला, अगर वो होगा तो आप जान जाना 7 डे होता है, मतलब 98% चांसेस होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ स्पिन हटाने के बाद वो नहीं आता वापस, पर नॉर्मली 7 डेज ही होता है अगर स्पिन आए क्रिस्टल वाला तो। पहला पोकेमॉन हरियामा और ट्रेजर डिटेक्टर वाला इवेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको पोकेमॉन मिल जाते हैं पसंदीदा तो आप इसे ले सकते हो, नहीं तो आप आराम से सेव कर सकते हो, ये तिजोरी में रखे उन पैसों की तरह है जो आगे चल के काम आ जाएंगे। अभी हरियामा के बेस्ट बात है, बस मेरे को दो चीज़ें अच्छी लगती है, एक गॉड लेवल अटैक है, गॉड लेवल है ठीक ठाक है, गॉड लेवल HP है वो भी गॉड लेवल है ठीक ठाक ही है, पर कंपेयर कर सकते हो गॉड लेवल्स के साथ। और उसके साथ मैजिक कोट, इनकेस पोर्टर्स वगैरह सामने आ जाते हैं आपके, वो स्पाइक्स वगैरह डालते हैं आपके मैजिक कोट रहे उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो उसलिए अच्छा है। ना गोज फॉर ब्लास्टॉइस, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे को नॉर्मल से, और ये लैपटॉप भी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही सही है, स्पेशल अटैक यूजर्स के लिए दोनों है। और मेरे को मेरे ख्याल से नॉर्मल ब्लास्टॉइस भी सही रहते हैं क्योंकि स्पेशल अटैक से तो ये पोकेमॉन किल करने से रहा, रैपिड स्पिन ड्रैगन टेल यही सब लगाना इसके लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि डिफेंडर है ये, अटैकर नहीं है, ये अटैक नहीं करे मार नहीं सकता बहुत लोगों को, पर हाँ ये पोकेमॉन मार सकता है। इस पोकेमॉन का नाम है पिंसर और ये है हमारा ग्रास एंड बग वाला, कॉम्बिनेशन सही है, बग के अगेंस्ट सही है, फ्लाइंग के अगेंस्ट थोड़ा कमज़ोर है पर फिर भी चल जाएगा, बहुत अच्छा पोकेमॉन 1 हिट के ऊपर कर सकता है, मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी उसके पास है, इसको मत लेना। आप पिंसर ले सकते हो इनके सब कुछ चाहिए तो, क्योंकि मोल्ड ब्रेकर है उसके पास, ठीक ठाक अटैक होल्ड करता है, टाइप एडवांटेज भी थोड़े मिल जाएंगे आपको, बस फ्लाइंग के अगेंस्ट कमज़ोर होगा। ये हेक्सरस बहुत अच्छा है, इसके पास भी मोल्ड ब्रेकर है, ये भी 1 हिट के वो कर सकता है, मोल्ड ब्रेकर मतलब कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है जो इसे इम्यून होगा, बस घोस्ट टाइप को छोड़ गया क्योंकि इसके 1 हिट के वो घोस्ट टाइप को हिट नहीं करेंगे, ऊपर से डबल जी मूव इस्तेमाल कर सकता है पोकेमॉन, ये बहुत सही है। नॉर्मल हेक्सरस भी आप पकड़ सकते हो उससे आराम से, 2, 3, 4 तक लेके जा सकते हो क्योंकि वाइल्ड में उसका सबसे छोटा फॉर्म नहीं, सेकेंड इवोल्यूशन फॉर्म वाइल्ड में, तो बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है उसको। पालकिया हमें देखने मिला है पर कॉमन हो चुका है पालकिया इवेंट में, और उसके नीचे जो पोकेमॉन है वो मेरे आंखों में पड़ चुका है, इसका नाम है ग्राउडन गाइस, ये सुपर डुपर रेयर इवेंट में ग्राउडन आना, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपको इवेंट में ग्राउडन दिखे, ये बहुत दिन नहीं महीनों से इसका जो है तलब चढ़ा था सबको, हर कोई यही पूछा था ग्राउडन कब आएगा, मेरे को भी ग्राउडन चाहिए R2 Weekend 2 का निकले, और मेरे पास फिलहाल 240 के आसपास इवेंट आइटम्स है जिसे शायद मैं आराम से 300 तक लेके जा सकता हूँ या फिर 320 तक, उस लिहाज से देखा जाए तो मैं आराम से मेगा और 4-5 ले सकता हूँ, 3-4 शायद ले ही सकता हूँ, और उसके बाद शायद मेरे पास मेगा वीकेंड 2 से लेके 3 तक के अंदर हो जाएगा। यहाँ हमें 12 सिंगा देखने को दिया गया है जो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, इसका फ्लावर वाइल्ड है और वो मेगा में अनलॉक हो जाता है ग्रास वाले में, ठीक है ना, फेरी वाले में नहीं हो, ग्रास वाले में मेगा में अनलॉक हो जाता है, फेरी वाले में होगा पर मैंने कभी मेगा बनाया नहीं, पर मेरे को ग्रास वाला ज़्यादा पसंद है, मैं रिकमेंड भी सबको वही करूँगा क्योंकि ठीक है ना वो है अच्छा, अब उसमें क्या रिकमेंड करना है, हाँ पॉइजन के अगेंस्ट बहुत कमज़ोर होगा पर चल जाएगा, बहुत सही पोकेमॉन है वो। फोर कोड भी होता है एक्स वाले के पास पर मेरे को वाई वाला ज़्यादा पसंद है। मेगा पालकिया जेड दिया गया है डार्क टाइप, और मैं किसी को नहीं कहूँगा आप अगर R2 बनाने जाने वाले हो पालकिया पर तो कभी भी जेड वाले को मत बनाना, ये पालकिया फैमिली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जेड वाला। R2 मूव डार्क टाइप R2 मूव ज़्यादा स्ट्रांगली हिट नहीं करते अनलेस एंड अंटिल रैपिड स्ट्रगलर हो जो हमेशा फर्स्ट जाता है, वही उसके लिए एडवांटेज है, और लुकारियो का R2 मूव पर उनके अलावा मेरे को कोई भी डार्क टाइप R2 मूव ज़्यादा पसंद नहीं है। ग्राउंड ऑन जेड ये तगड़ा पोकेमॉन, जब बात ग्राउंड टाइप्स की आती है ये सबसे ऊपर रहता है, इसका जो बर्स्टेड R2 मूव है वो बहुत तगड़ा है, बहुत हार्डली हिट करता है, ऐसे हिट करता है कि कुछ ही पोकेमॉन से सर्वाइव कर पाएं अगर वो सुपर इफेक्टिव हो तो, नॉर्मली सुपर इफेक्टिव मूव से भी कुछ पोकेमॉन सर्वाइव कर जाते पर इस सुपर इफेक्टिव मूव से शायद ही कोई पोकेमॉन सर्वाइव कर पाए, तगड़ा पड़ता है और स्ट्रांगली हिट करता है, तगड़ा बहुत ज़्यादा तगड़ा। उसका जी मूव में ट्रैप इफेक्ट भी आता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक उसे बनाता है। नॉर्मली ग्राउडन फैमिली में सारे ग्राउडन यूजफुल होते हैं पर एक्स और जेड की बात ही अलग है। हमें दिया गया मेटल वाला वोल्कानो जिसे मैंने पहले बताया था ये आएगा और ये आया भी है। अच्छी बात यह है कि मेगा में ही R2 मूव आपको देखने मिल जाता है, नेस्टी प्लॉट के साथ ये और ज़्यादा खतरनाक बनता है R2 मूव,
आप फ्लेम थ्रोअर लगा सकते हो, इसके पास और भी मूव्स हैं, एनर्जी बॉल से लेके और भी कई सारे मूव्स, इनकेस आपको आपको स्पीड को लेके थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप फ्लेम चार्ज पे जा सकते हो। उसके बाद हमें दिया गया ये फॉरेस्ट टापू ले ले, इसका नाम अलग दिया गया पर गेम में पहले ले ले था, अब दे दे या फिर कुछ भी है पता नहीं क्या है और चलेगा। रॉक जैगयार्ड ये और वो ले ले, दोनों अच्छे हैं और थोड़ी यूनिक टाइप्स हैं, यूनिक यूज़ के लिए नॉर्मल से हटके हैं। जैसे कि रॉक जैगयार्ड जो स्पेशल अटैक यूजर्स के लिए है और पॉइजन और फायर सूट यूजर्स जो स्पेशल अटैक में ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि रॉक जैगयार्ड के पास भी आर टू मूव है मेगा मेगा और नॉर्मल में उसे अनलॉक हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके स्टेटस भी थोड़े अच्छे हैं और एज अ जैगयार्ड यूज़र मैं बता सकता हूँ कि जैगयार्ड बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। हालांकि वेव्स अब नहीं रहे तो थोड़े प्रॉब्लम होंगी आपको, और वेव्स ना रहने से थोड़े डिसएडवांटेज बहुत होता है, आपके आर टू मूव्स और जी मूव्स काफ़ी वेस्ट होते हैं, पर अगर वो आपका अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो गेम वाले पता नहीं कब देंगे, क्योंकि हमने बात की है और बात चल भी रही है, पता नहीं कब देंगे वापस, पर इनके दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे जो इनकम्प्लीट पोकेमॉन है जो स्कार्डा का इनकम्प्लीट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मेरे को स्लिपकॉप से काम चलाना पड़ रहा है, और जैसे कि जैगयार्ड पे नहीं है वेव्स तो मेरे को अर्थक्वेक से काम चलाना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो कम्प्लीटली बिल्ट होंगे और किसी माइका लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी उन्हें रोक पाए, अनलेस अनटिल वो R7 हो या फिर बहुत बड़ा VIP हो या फिर जादूगर हो या फिर 1 hit KO कर दे, अलग बात है, या फिर स्पाइक्स छोड़ जाने देते हैं। तो भाई बेसिकली हम बात करते हैं अपने इस बॉल कैनो की, मैं अगर आपको बताऊँ कि आपको इसके मूव्स क्या देना है तो मैं पहले कहूँगा आपको आपका नेस्टी प्लॉट देना है, फिर आर टू मूव देना है इनकेस आपको कोई ट्रैप करके मार सकता है, वैसे तो पॉसिबल होगा नहीं इतने तगड़े आर टू मूव के साथ, फ्रेम थ्रो अगर कुछ भी रखो पॉसिबल तो है नहीं, डिफेंस भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड के अगेंस्ट कमज़ोर है भाई। देखो हर पोकेमॉन आपको बहुत सारी इम्यूनिटी नहीं देगा, हर पोकेमॉन को बहुत ही बेस्ट आउटकम नहीं देगा, कुछ पोकेमॉन्स के वीकनेसेस होते हैं पर वो स्ट्रांग होते हैं, नेचुरल स्ट्रांग होते हैं, आप उन्हें नेगेटिव साइड से देखो तो कमज़ोर ही दिखेंगे, जैसे कि वोल्कान आपको दिखेगा यार ये तो स्वैंपर्ड के बहुत कमज़ोर है, वही देखो गेम के सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाले पोकेमॉन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सही है मोबाइल के अगेंस्ट। एक बार नेस्टी प्लॉट और फिर मोबाइल यूजर्स या फिर हार्ड सूट यूजर्स वाइप आउट हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल स्ट्रांग ग्राउंड टाइप यूजिंग मूव्स हो या फिर वो तेज पोकेमॉन हो जो ग्राउंड टाइप मूव यूज़ कर सके, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, पर बेसिकली ये बहुत अच्छा पोकेमॉन होगा। मेरे को सच बताओ ना इस पूरे इवेंट में सारे के सारे पोकेमॉन यूजफुल ही दिख रहे हैं, कोई मेरे को बुरा नहीं दिख रहा, अनलेस अनटिल वो क्या बोलते आर्टिकोनो वो थोड़ा गंदा मेरे को लगे ऑनेस्टली, ऊपर ये तीन पोकेमॉन कभी रिकमेंड नहीं किए जाते, पर लास्ट में जो दो थे ब्लास्ट और जो लैप्रस उन्हें आप वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि उनके लिए शॉर्ट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, कीमती होते हैं बहुत, और उतने ज़्यादा कीमती पोकेमॉन्स को बार बार शॉर्ट्स एक्सचेंज करो तो आपके कॉइन्स भी खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो उनको, ऑब्वियसली ले सकते हो, पर उसके नीचे के सारे पोकेमॉन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर फिट आ जाते हैं आपकी टीम में, चाहे वो पालकिया हो, स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, एडेप्टेबिलिटी एबिलिटी आर टू मूव तगड़े, और वो वोल्केनो हो ऑलरेडी आर टू मूव, रॉक जैगयार्ड हो ऑलरेडी आर टू मूव अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेटस, और वो लेले हो या दे हो जो भी पोकेमॉन्स हो सारी सारी यूजफुल हो, चाहे वो पिंसर भी क्यों ना हो, सारे के सारे पोकेमॉन्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, ऑनेस्टली आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज हमने आपको पिछले इवेंट्स में बता दिए थे कि कौन से पोकेमॉन्स आने वाले, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार भी आपको थोड़े प्रेडिक्ट करके बताऊँ, प्रेडिक्ट नहीं मेरे को ये सूत्र के हवाले से पता चला है, तो मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि क्या आ सकते हैं या फिर आएंगे। देखो भाई मैं तब अभी आजकल हम लोग अपने इवेंट वीडियोस में बता रहे हैं, पर ये 100% गारंटी नहीं होता, पर आप समझ लो कि ये आएंगे, मैं लिख के नहीं दे सकता या भी किसी स्टैम्प पेपर के साथ ही दे सकता, पर मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले पोकेमॉन्स में जीरो हो रहा होगा, और उसके बाद हेलोविन पोकेमॉन्स होंगे जैसे कि कैल्डी और पेंगोरू, ये तीन पोकेमॉन्स आपको आने वाले इवेंट में देखने को मिलेंगे, इनकेस आपको ये पोकेमॉन बहुत अच्छे लगे अपनी टीम में डालने आराम से सेव करो और उनको वहाँ से ले लेना, और उसके आगे वाले इवेंट के अभी नहीं बताऊँगा, वो पता नहीं वो सही है या नहीं, पर आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, पर हाँ अगर इन तीनों पोकेमॉन्स में आप बहुत इंटरेस्टेड आप सेव कर सकते हो, पर मैं कहीं भी नहीं कहूँगा कि ग्राउडन को मिस करो, अगर आपके सूट टाइप में आपको चाहिए तो उस पोकेमॉन को पालकिया को चाहे सारी पोकेमॉन्स को छोड़ो उस ग्राउडन को ले लो, क्योंकि स्कारडाग्रा रिपीट हो जाता है, पर भाई ग्राउडन बहुत रेयर है, कभी मतलब कभी कभार ही वो रिपीट होता है, और जब वो रिपीट होता है ना सारे टूट पड़ते हैं उस पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड पोकेमॉन में से एक है इसलिए बहुत कम दिया जाता है वो, और डार्क रहा है अभी के टाइम पे डार्क रहा है पता नहीं क्यों बहुत कम दिया जा रहा है, पर पहले बहुत दिया जाता था, पर ग्राउडन पहले भी और आज भी हमेशा से ही रेयरली दिया जाता है, इस बार भी बहुत दिनों बाद दिया गया है, पता नहीं महीनों या फिर सालों बाद दिया गया, पर दिया बहुत रेयरली गया है, उस पोकेमॉन का अगर आपकी टीम में रिक्वायरमेंट्स है ज़रूरी है तो उसको ले लो, क्योंकि वो फिर नहीं मिलेगा बाद में, रिग्रेट करोगे यार एक दिन इवेंट पे देखने को मिला था पर मैंने वहाँ से लिया नहीं तो आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, तो अभी अगर आपके पास बहुत सारे इवेंट आइटम्स तो ले सकते हो। मेरी बात करूँ मेरे को नहीं लेना है ग्राउडन, क्योंकि मैं एक अलग पोकेमॉन को ऑटो बनाने वाला हूँ,
ग्राउडन टीम में रहेगा इंडीड, मैं उसे कैप्चर स्टेशन पॉइंट्स बाकी सारे तरीके से करूँगा शॉर्ट डिस्टेंस से या फिर दूसरे तरीकों से, पर फिलहाल के लिए इवेंट आइटम्स में सेव कर रहा हूँ एक दूसरे पोकेमॉन के लिए, जिससे मेरे को अभी के लिए फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको जैसे ही मैं आर्ट टू कर दूंगा उसके बाद मेरी टीम कैड आई बहुत बेहतर होगा, ट्रैप भी कर पाएगा किल भी कर पाएगा। तो भाई देखो वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।